तो ये सब कुछ करने से पहले तुम दोनों मुझे तो बता देते ना, अब मैं तुम्हारे बाबा को कैसे हैंडल करूंगी। आपके लिए करना कोई बड़ा काम तो नहीं है। आसान भी नहीं है। ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे बाबा से बात। गुड। पागल बना के रखा हुआ है मेरी औलादों ने मुझे। मामा करेंगी बाबा से बात, बाबा करेंगे पप्पा से बात। मेरी अभी दादी से बात हुई है, घर में सबके सर पे ना बम फट चुका है। और उसने तो किसी को जवाब देने के काबिल ही नहीं रही होगी। बिल्कुल। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले पता होता ना तो उस उष्णा की मैं ऐसी की तैसी कर चुकी होती। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? मैं बहुत पहले चाची और मामा की बातें सुन चुका था, किसकी माँ का क्या बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इतनी बड़ी बात तो आपको बतानी चाहिए थी। मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। क्या दोनों बहन भाई साथ बैठे हुए क्या बातें हो रही हैं? हम तो अफसोस कर रहे हैं कि इतना बड़ा राज आप लोगों ने अब तक हमसे छुपा कर क्यों रखा। कौन सा राज? यही कि उष्णा की माँ का बैकग्राउंड बहुत बुरा था। ये बात तुम दोनों को किसने बताई है? हमें किसने बताना है? वो बाबा ने फूफो से सुलह कर ली थी तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लेती हूँ। मैंने कॉल की तो नईम आंटी ने फोन उठाया तो उनसे बात हो गई तो उन्होंने, और वैसे नईम आंटी बहुत गुस्से में थी इस बात को लेके। लेकिन नईमा और उसके घर वालों को ये बात कैसे पता चली? सैनब, सैनब तो इतना बड़ा राज उनके सामने कभी नहीं लाएगी। ये हरकत तुम दोनों ने तो नहीं की है? अरे आप भी कमाल करती हैं। कोई नहीं मिला तो आपने इल्जाम हम पे लगा दिया, हम क्यों करेंगे ऐसा? हाँ तो ये बात तो सिर्फ हम घर वालों को पता थी, उन्हें कैसे पता चली? उष्णा की दादी, उसको आप क्यों फरामोश कर रही हैं? जब उष्णा और उसकी माँ की नफरत का इजहार करने हमारे पास आ सकती है तो शहरोज के घर भी जा सकती है। उष्णा की दादी? उष्णा की दादी शहरोज के घर कैसे पहुंच गई? उन्हें उनके घर का पता किसने दिया है? अरे शहरोज और वहाब अंकल को कौन नहीं जानता, और घर पहुंचने में कितनी देर लगती है, और वैसे भी दादी का स्टेटस बिल्कुल उन्हीं के टक्कर का है। सदफ, तुमने मुझसे उष्णा की दादी के बारे में पूछा था ना? ये सब तुम दोनों ने किया है ना? क्या पागल हो गए तुम दोनों? या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम दोनों का? अब जैनब तो ये समझेगी ये सब कुछ रफाकत ने किया, क्योंकि पहले भी उष्णा की दादी को वो ही लेकर आए थे। अल्लाह अल्लाह करके तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब फिर से दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। देखें, आप एक काम करें, आप बाबा से बात करें कि फुप्पो को इस टाइम उनकी बहुत जरूरत है, और हम दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की। उष्णा की दादी खुद गई थी वहां पर यह बात करने। देखिए, उन दोनों की सिचुएशन अभी इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड है। अगर बाबा उनके सर पे हाथ रख देंगे तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ करने से पहले तुम दोनों मुझे तो बता देते ना, अब मैं तुम्हारे बाबा को कैसे हैंडल करूंगी। आपके लिए करना कोई बड़ा काम तो नहीं है। आसान भी नहीं है। ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे बाबा से बात। गुड। पागल बना के रखा हुआ है मेरी औलादों ने मुझे। मामा करेंगी बाबा से बात, बाबा करेंगे पप्पा से बात। और इस तरह बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब आएगा मजा। देख लो मुझे तुम्हारी मरीबत में क्या क्या करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।